हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए ये क्वेश्चन सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा भी सपोर्ट बना रहे तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए देखिए संबंधित फाइंड करना देखिए यहाँ पास क्या है सात का अठारह संबंध कैसे है उसी प्रकार हमें बताना है नौ सौ छः का संबंध किससे होगा इन चारों ऑप्शनों में से तो देखिए फर्स्ट क्या है सात सौ पैंसठ को क्या किया जाए कि अठारह आ जाए तो ध्यान से देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि छह ये क्वेश्चन कैसे किससे मिलकर बनाए सात सौ पैंसठ देखिए सात छः और पाँच से मिलकर बनाए तो ये हम अलग अलग करके देख सकते हैं ताकि हमें फाइंड करने में आसानी हो देखिए क्या है सात और आ छः और पाँच को क्या किया जाए देखिए सात प्लस छः प्लस पाँच करेंगे तो क्या अठारह आ रहा है तो सात छः तेरह सॉरी छः छः दो बारह एक तेरह हाँ तेरह 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 पाँच अठारह देखिए इन तीनों को आपस में जोड़ देने पे पर अठारह आ रहा है इसी प्रकार हम सेम यही लॉजिक इसमें लगाएँगे क्या करेंगे नौ प्लस जीरो प्लस सिक्स करेंगे सिक्स सी करेंगे तो जो आएगा उस वही हमारा आंसर हो जाएगा नौ छः पंद्रह यहाँ पास की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो तो वो जुड़ेगा तो पंद्रह ही होगा नौ छः पंद्रह पंद्रह किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दे दें ऐसे ही आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहे चलिए फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है देखिए ये क्या है क्वेश्चन क्या है यदि पी टी के पैंसठ मीटर दक्षिण पश्चिम में है और आर टी के चालीस मीटर दक्षिण पूर्व में है तो पी आर की किस दिशा में है ये हमें बताना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और चलिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है यदि पी टी के पैंसठ मीटर दक्षिण पश्चिम में है और आर टी के चालीस मीटर दक्षिण पूर्व में है तो पी आर के किस दिशा में है तो दिशा को दिशा वाला क्वेश्चन है दिशा ज्ञान कैसे होगा तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि दिशा कैसे फाइंड करते हैं पहले आप दिशा डिसाइड कर लेंगे तो क्या है ये यहाँ साइड होता है देखिए यहाँ साइड होता है पूर्व यहाँ साइड होता है पश्चिम यहाँ साइड होता है उत्तर और यहाँ साइड होता है दक्षिण तो अब क्या बोल रहा है पहले तो क्वेश्चन को देखेंगे पी टी के पैंसठ मीटर दक्षिण पश्चिम में है और आर टी के चालीस मीटर दक्षिण पूर्व में है तो क्या समझ में आ रहा है कि टी बीच में है क्योंकि दोनों टी टी कॉमन है तो देखिए टी यहाँ कहीं बीच में है। और पी दक्षिण पश्चिम में है देखिए पी टी के दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा पूर्व पश्चिम में होगा उत्तर दक्षिण दक्षिण पश्चिम कहीं ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में होगा तो कितने मीटर है पैंसठ मीटर बोल रहा है ये पैंसठ मीटर इसी प्रकार क्या है आर टी के चालीस मीटर दक्षिण पूर्व में है दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व क्या होगा इसके और इसके बीच के दक्षिण और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होगी तो ये कितने मीटर है चालीस मीटर तो आप क्या पूछ रहा है देखिए यहाँ पास ध्यान दीजिएगा आर पी आर की किस दिशा में है पी आर की तो ये ये कौन सा हो गया ये तो पी हो गई और ये आर हो गई देखिए पी टी के दक्षिण पश्चिम ए पी हो गए ये आर तो क्या पूछ रहा है पी आर की किस दिशा में है पी पी को पूछ रहा है आर की किस दिशा तो हम क्या करेंगे यहाँ पास फिर से दिशा डिसाइड करेंगे क्या आ गया यहाँ पास पूर्व होगा यहाँ पास पश्चिम होगा उत्तर होगा यहाँ पास दक्षिण होगा तो क्या पूछ रहा है पी किस साइड है इस साइड देखिए इस साइड है ना पी किस किस दिशा में होगा पूर्व पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में होगा तो पश्चिम के किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए विषम संख्या चुनना तो एक तो अब तरीका क्या हो सकता है विषम संख्या चुनने का कि दो विषम संख्या हो कोई तीन सम संख्या होगी एक विषम संख्या होगी या कोई तीन क्यूब बन रहा होगा या एक स्क्वायर बन रहा होगा ऐसे भी हो सकता है तो कैसे इसे फाइंड करें देखिए देखिए क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पास पचपन है और देखिए यहाँ पास पैंतालीस ये दोनों भी संख्याएं हैं तो इनमें तो दो तो भाग नहीं जाएगा इसमें इन ये दोनों हैं तो आप कैसे फाइंड करें तो अब देखिए क्या करेंगे अब इसमें देखें ये कितनी बार में जाएगा किससे कटेगा देखिए पहले अठारह को कटते हैं छोटी संख्या तो तीन छ अठारह तीन से कट रहा है और ये नौ छक्का चौवन तो किससे कटेगा ये नौ छक्का चौवन ये भी तीन तीन से कट रहा है तीन नौ हाँ ये तीन से कट जाएगा देखिए तीन नौ सत्ताईस और नौ छक्का चौवन फिर ती तीन से कट जाएगा हाँ और ये कितने से कटेगा पंद्रह से पैंतालीस तीन से ये भी कट जाए पंद्रह से ये भी कट जाए, जाए पर इसको देखिए क्या करें ये तीन से नहीं कटेगा तो ये हमारा विषम संख्या मतलब अलग है तीनों ऑप्शनों में से अलग है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पूछ कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनी मतलब इन तीनों ये तीनों संख्याएं देखिए आपस में तीन से डिवाइड हो रही पर ये तीन से डिवाइड नहीं हो रहा तो हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी देखते हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए देखिए इसमें भी संबंध फाइंड करना तो ई का संबंध एक से कैसे उसी प्रकार पी का संबंध हमें बताना है क्वेश्चन तो मार्क जगह क्या होगा देखिए ई का संबंध कैसे है एक से वो हमें पता करना है देखिए ई तो ई कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट में देखिए ए बी सी डी ई आ रहा है न एक दो तीन चार पाँच तो क्या लिखा है एक ई को एक सौ पच्चीस तो क्या होगा पाँच करेंगे और इसका क्यूब कर देंगे तो एक सौ पच्चीस आ जाएगा सेम क्या करेंगे पी कितने नंबर पे आता देख लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी कितने नंबर पे आ रहा है एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तेरह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह देखिए सोलह नंबर पे आ रहा है सोलह सोलह क्या करेंगे क्यूब तो क्या करेंगे सोलह गुणे सोलह गुणे सोलह तो कितना आएगा सोलह गुणे सोलह गुणे चार हजार छियानवे चार हजार छियानवे हमारा किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा होगा क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई श्रृंखला में अंगला अक्षर क्या होगा देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखिए दी गई श्रृंखला में अंग्ला अक्षर क्या होगा देखिए ए है फिर डी है फिर ई e है फिर जे है फिर एम है फिर क्वेश्चन मार्क श्रृंखला कैसे चल रही है देखिए ए डी इसके बीच में क्या आना चाहिए बी और सी फिर इसके बाद क्या है डी जी डी के बाद क्या आना चाहिए ई और एफ इसके बाद क्या है जी और जे जी के बाद क्या आना चाहिए इसके बाद क्या डी के बाद ई एफ आया फिर जी जी के बाद क्या आना चाहिए, तो और चाहिए तो एच और आई आना चाहिए यहाँ पास देखिए एच और आई आना चाहिए यहाँ पास फिर जे इसी प्रकार क्या है जे के बाद क्या है एम है जे के बाद क्या आना चाहिए के और एल आना चाहिए के और एल फिर आना चाहिए एम देखिए क्या कर रहा है इसके बाद क्या होगा तो एम एन एम छोड़ के एम एन ओ छोड़ के क्या आएगा अब पी आएगा इसके बाद क्या आएगा क्योंकि दो दो बीच में गैप करना ना दो दो देखिए इसके बाद ए के बाद डी कर दिया डी के बाद ई कर जी कर दिया जी के बाद जे कर दिया जे के बाद एम कर दिया उसी प्रकार अब अगली बार पी होना चाहिए यहाँ पास दो दो छोड़ रहा है एम के बाद एन ओ छोड़ दिया और पी कर दिया तो पी के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष उन्नीस में स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को मनाया गया तो वर्ष 2000 में किस दिन मनाया जाएगा देखिए क्या पूछ रहा पहले तो हम पता करेंगे वर्ष 2019 सॉरी उन्नीस सौ में स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को मनाया गया तो वर्ष 2000 में किस दिन मनाया जाएगा देखिए ये पहले पता करेंगे वर्ष वर्ष लीप वर्ष है कि सिंपल वर्ष है उन्नीस सौ निन्यानवे को चार से भाग करेंगे अगर चार से भाग गया तो ये लीप वर्ष होगा नहीं गया तो ये सिंपल वर्ष साधारण वर्ष होगा देखिए चार से भाग नहीं जाएगा ये साधारण वर्ष है तो इसमें लीप ईयर नहीं काउंट होगा तो अब इसको देख लेते हैं दो हज़ार दो हज़ार में चार का भाग जाएगा हाँ चार का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो चार पंच तो देखिए तो ये हो जाएगा लीप वर्ष और ये साधारण वर्ष तो क्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा वर्ष उन्नीस में स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को मनाया गया तो वर्ष 2000 में किस दिन मनाया जाएगा देखिए उन्नीस तो हमारा उन्नीस से 2000 के बीच कितने दिन हो गया एक साल हुआ ना तो तीन दिन तीन दिन पर एक अफसे पूछ रहा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस और छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस इसे कहते हैं तो देखिए पंद्रह अगस्त से पूछ रहा है जनवरी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है फरवरी के सॉरी तो और इसमें बस फरवरी का रोल आएगा फरवरी इसमें आएगी क्योंकि अगस्त के पहले ही फरवरी आ जाती है तो उन्नीस सौ निन्यानवे फरवरी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये वैसे ही साधारण वर्ष पर ये लीप वर्ष है तो साल हमारा कितने दिन का हो जाएगा तीन सौ छठ दिन क्यों क्योंकि ये लीप ईयर है तो अट्ठाईस दिन की फरवरी की जगह उनतीस दिन की फरवरी होगी तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा तो हमारा कितने दिन हो जाएगा एक साल में तीन सौ छाछठ दिन अब क्या करेंगे तीन सौ छाछठ दिन हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे तीन सौ छाछठ में सात का भाग करेंगे सात के भाग सात पाना पैंतीस सात पाना पैंतीस कितना आएगा एक आएगा सोलह सात दो चौदह दो आएगा कितना बचा दो तो अब क्या करेंगे इस दो को इस गुरुवार में हम जोड़ देंगे कितना आएगा दो दो आया तो इस गुरुवार में जोड़ेंगे कितना आएगा गुरुवार के बाद क्या आएगा शुक्रवार फिर शनिवार दो जोड़ेंगे तो शनिवार किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बस इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता दिवस क्या है यहाँ पास अगर कोई लीप वर्ष पूछ ले तो आ और यहाँ पास साधारण वर्ष तो आप ये गलती मत करिएगा कि यहाँ पास भी यहाँ पास का लीप यर निकाल के और यहाँ पास साधारण वर्ष निकाल के एक साल में तीन सौ दिन कर दीजिएगा नहीं तो गल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास एक साधारण वर्ष है क्योंकि